सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तीन तीन जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच सुशांत के फार्म हाउस के पूर्व मैनेजर रईस ने आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को लेकर कई सारे दावे किए। एक इंटरव्यू में रईस ने बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को कुछ हद तक कंट्रोल करने में लगी थी। उसने ये भी खुलासा किया कि सैमुअल मिरांडा रिया की बातें माना करता था। रईस ने बताया कि रिया का परिवार सुशांत के पैसों पर फार्म हाउस पर पार्टी किया करता था। रईस के मुताबिक जिस घर में सुशांत के साथ हादसा हुआ वो घर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बात को लेकर रिया और मैनेजर श्रुति मोदी में लड़ाई भी हुई थी। श्रुति रिया की जासूसी करती थी। रिया जो भी ऐश करती थी श्रुति सुशांत से छिपा लिया करती थी। रईस ने खुलासा किया कि रिया का भाई शोविक नशे में रहता था। सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के मामले पर दिल्ली एम्स के फोरेंसिक विशेषज्ञ अगले हफ्ते सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फोरेंसिक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कानूनी जांच के चलते रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। एम्स ने इस घटना पर अपनी राय तय कर ली जिसे अगले हफ्ते सीबीआई शेयर करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बगैर किसी संदेह के फोरेंसिक बोर्ड की ये रिपोर्ट स्वीकार योग्य होगी। तो ये है पूरा सच जहां पर पूरा खुलासा हो चुका है सुशांत के पूर्व मैनेजर रईस के जरिए कि किस तरह रिया कंट्रोल करना चाहती थी सुशांत सिंह राजपूत को, उसके पैसों पर कर रही थी ऐशोराम और भाई के सारे मजे उठा रही थी। नेक्स्ट नाइन लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।